नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते हमारी मेहमान है भारतीय शास्त्रीय संगीत की साधिका उमा गर्ग जी। दो हिस्सों की बातचीत आप पहले देख चुके हैं, आज इस इंटरव्यू का तीसरा और आखिरी हिस्सा। उमा जी, हम सब जानते हैं कि पंडित भीमसेन जोशी एक तो शास्त्रीय गायक के तौर पर उनकी जो पहचान है वो अलग है, लेकिन उनकी एक पहचान जो आम लोगों में है, जिनको शास्त्रीय गायकी की उतनी समझ नहीं है लेकिन लोग उनको सुनते हैं उनके भजन की वजह से, तो अगर आपने उनसे कोई भजन सीखा हो तो वो सुनाइए, वरना कोई अपना कंपोज किया हुआ भजन सुनाइए, हमें एक भजन सुनाइए। सच बताऊं, मैंने कोई उनके गाए हुए भजन को गाया नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि वो जो स्टाइल है उनका वो मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं भजन बहुत मैंने खुद कंपोज किया है, मैं गाती हूँ, वो मैं आपको सुना सकती हूँ, लेकिन उनका जो गायकी है ना, थोड़ा मुझे बहुत मुश्किल लगा। तो क्योंकि मैं उन दिनों पहले ही बहुत भजन वगैरह गाती थी, तो और फिर वो राग में मैं इतनी डूबी हुई थी, राग के रियाज में और हर तान में उसमें, तो मैंने कभी उसको किया ही नहीं, मतलब मुझे लगा नहीं कि मैं इतना सब कुछ कर सकती हूँ। इसलिए मैं अपना जो मेरा जो स्टाइल है भजन का, मैं वो मैंने खुद बहुत सारे भजन गीत गजलें और गजलें तो उस ज़माने में मैं रागों पर आधार कर करके मैंने बनाया करती थी, गाती थी। तो भजन मैं एक आपको मीरा का एक भजन, गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊ, देखत जी। बहुत विस्तार से बात हो रही है आपसे और आपके पूरे व्यक्तित्व में संगीत के साथ साथ संगीत का जो लिटरेचर है, यानी संगीत का जो ग्रामर है, संगीत का जो साहित्य है, आपने तमाम सारे रिसर्च पेपर लिखे हैं, किताबें लिखी हैं और आपको तो नेशनल अवार्ड मिला है बाकायदा, ये दोनों जो अनुभव है उनसे हमें रूबरू कराइए। इसके साथ साथ जैसे करियर में एक ही तरफ होता है तो वो चलता रहता है, ज़्यादातर लोगों के जीवन में ऐसे ही है, लेकिन मेरे जीवन में एक साथ दो तीन तरह के रास्ते चलते रहे, वो अपने आप मेरे करियर में जुड़ता चला गया और मैं उसको करती चली गई।
मैं खुद भी अभी सोचती हूँ कि मैंने इतने सारे काम किए जिसका कि कभी सोचा नहीं कि मैं इस वजह से काम, लोग आजकल काम करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि ये चीज़ मुझे मिल जाएगी, ये अवार्ड मुझे मिलेगा, इसलिए मैं ये काम करूँ। मैंने कभी सपने में भी ये बात नहीं आई मेरे कि इसके लिए कोई अवार्ड भी मुझे मिलेगा। जब मिला तो मुझे लगा कि ये तो मिरेकल हो गया। मैं 1985 में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक वो निकला था बहुत सारे पोस्ट के लिए, तो मैंने अप्लाई किया था और वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये एज ए लेक्चरर मैं वहाँ सिलेक्शन हुआ, तो जबकि मैं चाहती नहीं थी जॉब करना। शुरू से ही मेरा था कि मैं कभी नौकरी नहीं करूँगी और वो ही करना पड़ा मुझे, और नौकरी ने मुझे बचाया, मैं एक तरह से ये कहूँगी, उसने मुझे बहुत कुछ दिया। तो नहीं, नौकरी नहीं होती तो जब मैं घर से खाली हाथ निकली थी अपने 9 साल की बच्ची को साथ में लेकर, तो पता नहीं क्या होता। तो जैसे कि ईश्वर को सब पहले से पता होता है, इसको इसके जीवन में ये होना है, तो उसको एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खोलता है। जो कहावत है वाकई में वो पहले से ही मेरे लिए खोल दिया था कि ये रास्ता है, इसका काम आएगा मुझे। मैं जब कहती थी मैं तो कभी नौकरी नहीं करूँगी, तो ईश्वर वहाँ ऊपर बैठ के ये कहते होंगे अभी तो ये पता चलेगा। मेरा सिलेक्शन हुआ वहाँ पर, बड़े वो भी एक तहलका मचा दिल्ली में, बड़े बड़े लोग आए थे, उसमें अप्लाई किया था लेकिन कुछ लोगों का नहीं हुआ जो क्लासिकल के पंडित लोग थे, लेकिन मेरा हो गया। अब मैंने वहाँ कोई लाइट म्यूजिक तो नहीं गाया था, ये जो सिलेक्शन कमेटी बैठती है 10 लोगों की, और बड़े बड़े उस समय वो आए थे, जया विश्वास सितारिस्ट और हफीज़ उस्ताद हफीज़ अहमद खान थे और अरुण कुमार सेन थे, बहुत ये लोग सब बैठे थे। और वहाँ मैं जब गई तो वहाँ तो राग ही गाया ना, उन्होंने कहा आप सुनाइए कुछ, तो मैंने शुद्ध कल्याण गाया, मेरा फेवरेट राग शुद्ध कल्याण, बहुत गाया मैंने। तो और बीसी वाइस चांसलर और जाने कि कौन लोग, 10, इतनी बड़ी कमेटी बैठती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन बोर्ड थी वो कमेटी थी। तो वहाँ उन्होंने और भी क्वेश्चंस किए, सब मैंने जवाब दिया और मेरा हो गया। तो इसमें मेरा कोई मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे मिल जाएगी और मिल गई। खैर वहीं से शुरुआत हुई, जब वो मिली। अब मेरे अंदर एक सिंसियरिटी बहुत है, मैं बहुत सिंसियर हूँ और बहुत क्या वर्ड होता है जो आर्मी में यूज होता है, डिसिप्लिन। मैंने बचपन से, क्योंकि मेरी माता जी बहुत डिसिप्लिन में हमें बड़ा किया था, और वो ही था मेरे अंदर। मैं डिसिप्लिन अभी भी मेंटेन करती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स बहुत खुल के भी मिलती हूँ, लेकिन जब काम की बात आती है तो जो है सो है, वही है। तो जब मैंने लिया है वहाँ जॉब लिया है, तो मेरी ये ड्यूटी बन जाती है कि मैं इसको सिंसियरली करूँ। और मैंने सिखाना, उसमें भी बहुत लोग देख रहे थे कि देखते हैं ये कैसे सिखाती है, क्या करती है, आप जानते ही हैं सब जगह ऐसा होता है। लेकिन सबको लगा कि आज भी वो 40 साल पहले के स्टूडेंट जो बैच थे, आज भी कहते हैं मैडम जो आपने सिखाया था जो राग, वो हमें याद है और सब भूल गए। तो मैंने इतना मन से सिखाती थी, और जो कमज़ोर बच्चा होता था उसको कहती थी कि तुम बाद में मुझसे मिलना। पता नहीं क्या था मैं मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन उसको बुलाती थी तुम देखो ऐसे रियाज करना, जो मैंने क्लास में बताया है
वो सबके लिए है, लेकिन तुम्हारी आवाज़ को सुधारने के लिए ये रियाज चाहिए, तुम ऐसे करना। ऐसे कर कर के मैंने उनको टाइम दिया, उनको अलग से बुला के बताया, लेकिन उसके बदले में आजकल तो ज़रा सा कोई लोग करते हैं तो उसके बदले में कुछ क्या मिलेगा हमें, मैं तो कभी सोचा ही नहीं। अब सोचती हूँ कि मैं कितनी पागल थी, मैंने इतना जान लगाया स्टूडेंट्स के लिए, पर स्टूडेंट्स भी आज मुझे गुरु माँ कहते हैं और बहुत मानते हैं। तो वहाँ से शुरू हुआ, वहाँ से कुछ साल बाद वो होता है आपका प्रमोशन, तभी होगा जब आप 2 किताबें लिखोगे 3 किताबें लिखोगे, लेक्चरर से आप प्रोफेसर तभी बन सकते हो। तब फिर मैंने कहा अब तो ये सब करना ही पड़ेगा। वो पीएचडी तो खैर कर ही रही थी मैंने, मेरी पीएचडी का भी एक जो टॉपिक था फिल्म म्यूजिक पर, वो टॉपिक इसलिए लिया था बचपन में मुझे जब फिल्म गाने सुनने और गाने के लिए मना किया जाता था, और भी मैं बाद में धीरे धीरे जब बड़ी होने लगी तो क्लासिकल के जो पंडित उस्ताद जी लोग सब कहते थे फिल्म म्यूजिक तो बहुत बेकार सी चीज़ है, वो तो लाइट म्यूजिक को भी कुछ नहीं समझते, जो गाता है वो जैसे कि कोई नीचा है। ये जो एक मेंटेलिटी है ये ठीक नहीं है, पर है, अब क्या कर सकते हैं। तो मेरे मन में वही जिज्ञासा थी, और ये भी था कि वो जो गाना बनाते हैं वो दिल को छूता है, जो जो म्यूजिक देते हैं। अब लता जी ने एक गाना गाया, एक लाइन गाई, एक दो लाइन गाई, उसके बाद जो वायलिन के म्यूजिक कंपोजर ने जो उसमें डाला और उसमें जो पियानो के वो बजे, तो मुझे इतना आकर्षित करता था, तो इसलिए मैंने उसी पर पीएचडी किया था। तो उस पीएचडी को फिर मैंने उसको फिर किताब, मैंने कहा इसी को किताब बनाते हैं, उसको किताब रूप दिया। और फिर मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले शुभ चिंतक कहूँगी, उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे फिल्म म्यूजिक का अवार्ड मिला करता है, आप क्यों नहीं उसमें, आपकी किताब बहुत अच्छी है, आप इसको, पत्रकार ही हैं वो, आज भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत सलाह लेती हूँ मैं उनसे, मैं बताऊंगी नहीं, बहुत सीनियर हैं, नाम बताने से ठीक नहीं होगा, आप कहेंगे तो बताने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा अरे ऐसे कैसे, मेरा इतना अच्छा काम नहीं है कि मुझे अवार्ड मिलेगा, आप भर तो दीजिए, इसमें 5 किताबें देना पड़ेगा और इसका ये फॉर्म भरना है और ये सब उन्होंने बता दिया, जगह बता दी, तो मैं चली गई, भर दिया। पर वहाँ पर भी मैंने यही कहा, ये होना होना तो है नहीं, ये अवार्ड उनको ही मिलता है जो जान पहचान वालों, लेकिन ईश्वर की मर्जी थी, वो मिल गई मुझे अवार्ड मिला। और इसी तरह से इसीलिए 2-3 किताबें फिर प्रोफेसर बनने के लिए बनना था, तो मुझे रागों पर बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने राग विश्लेषण करके उसकी 2 कॉपी निकाली, 2 भाग, ऐसे यूनिवर्सिटी का काम भी साथ साथ चलता रहा, गाना भी चलता रहा। मेरी बेटी को मैंने पढ़ाया, बड़ा किया, अब वो USA में सेटल्ड है, वो सीनियर इकोनॉमिस्ट है। उमा जी, इस मुलाकात के पहले सवाल से लेकर अभी तक आपने कई बार गजलों का जिक्र किया, तो विनम्र गुजारिश करेंगे कि कोई एक गजल सुनाइए। अमीर गजल बांश की गजल है, देखती मुझे कितना याद है, ये मुझे बहुत पसंद है और इसकी धुन भी मैंने ही बनाई थी। रेल
फिक्रे कुर्बत है ना अंदेशे तन्हाई है, फिक्रे कुर्बत है ना अंदेशे जिंदगी कितने हवादिस से गुजर आई है, फिक्रे कुर्बत है ना अंदेशे तन्हा। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, लोग जिस हाल में मरने जीने की कसम खाई है, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई फिक्रे पर्वत है ना अंदेशे तन्हाई। उमा जी आपने हमारे लिए समय निकाला और इतनी दिलचस्प बातचीत हुई, आपके बचपन की बातचीत हुई, आपके गुरुओं की बातचीत हुई, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।